संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रति ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। स्वयं का मतलब यह है कि वो प्रक्रिया अपने में स्वयं घटित करनी पड़ेगी। वह प्रक्रिया कोई दूसरा आपको बता तो सकता है, लेकिन वो आपको बना करके खुद आपको उस प्रक्रिया से स्वयंभू नहीं बना सकता है। जैसे हमने आपसे कहा ध्यान करो, तो हम आपसे कह तो सकते हैं ध्यान करो, लेकिन ध्यान अगर आप करोगे तो कुछ होगा, और आप आंख बंद करके बैठ गए हमें कुछ करना ही नहीं, कौन देख रहा है, तो कुछ नहीं होगा। हमने आपसे कहा कि जब तक हम ना कहें आंख मत खोलना। अब आप सोच रहे हो कि महाराज हमें कहां देख रहे हैं, हम तो पीछे बैठे हैं, हम आंख खोल करके ऐसे करके नीचे मुंडी करके हम ऐसे करके देख रहे हैं, सब बैठे भी है कि हम ही को केवल बेवकूफ बना के महाराज ने बिठा दिया है। तो लोग देखते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें आंख बंद करके यहां बैठे रह गए हो बाकी सब लोग उठ गए हो, तो 10 मिनट भी कभी आंख बंद नहीं कर पाते। जब हम आपसे कहते हैं तो आप वैसा करोगे तो कुछ पा जाओगे, और करने के बावजूद भी अगर भीतर से आप कुछ मक्कारी कर जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। इसे क्या बोलते हैं, आपसे जैसा कहा गया वैसा आपने नहीं किया, माने आपने क्या कर ली, बोलो, इसी को मक्कारी कहते हैं। आप अपने मन के अंदर अगर ये सोचते चले जाएं कि हमें जैसा कहा गया है हमें वैसा करना है, और वो करना स्वयं को है, और स्वयं को स्वयं में ही प्राप्त करके वह हमें चीज की उपलब्धि करनी है, तो आचार्य कहते हैं आप अपने ध्यान के फल को उपलब्ध हो जाओगे। यहां देखो क्या कहा जा रहा है, आत्मा, आत्मानम, आत्मनि, आत्मना, असौ स्वयं उपजनयन स्वयंभू प्रवृत्त है। क्या मतलब है इसका, यह स्वयंभू बनने की प्रक्रिया है। आत्मा अपनी आत्मा को ध्याता है, आत्मानम माने आत्मा को, आत्मनि माने आत्मा में, आत्मना माने आत्मा से, सुन रहे हो, आत्मा, आत्मा को, आत्मा में, आत्मा से ध्यान करता हुआ, ध्याता हुआ स्वयंभू रूप में प्रवृत्त हो जाता है, और वह अपने अंदर स्वयंभू पने को प्रकट कर लेता है। कोई कुछ नहीं कर सकता है, स्वयं ही सबको सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को आप देखोगे तो व्यक्ति ध्यान भाव में कम आता है, स्वाध्याय में भी आ जाएगा, ज्ञान भाव में आ जाएगा, लेकिन ध्यान भाव में नहीं आ पाता। जानते हो क्यों,
अकेला नहीं रहा जाता, अपने आप कुछ होता नहीं है महाराज। आप जो बता दोगे वो हो जाएगा, आप जो करा दोगे वो कर लेंगे, हमसे अपने आप कुछ होता नहीं है। आप ये ध्यान रखना, आपको हम थोड़ा सा धर्म ध्यान तो करा सकते हैं, लेकिन धर्म ध्यान के ऊपर भी एक ध्यान होता है जिसे शुक्ल ध्यान कहते हैं, वो कोई नहीं करा सकता, वो आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। ये बात ठीक है, चलो इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं है, सुन रहे हो, छुट्टी मिली, बच गए ना अपन। ये जो ध्यान यहां बताया जा रहा है, आत्मा में, आत्मा को, आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा ध्याने वाला जो ध्यान है, ये एक्चुअली शुक्ल ध्यान है, और इस शुक्ल ध्यान से ही वह केवल ज्ञान प्रकट होता है, वह स्वयंभू आत्मा बन जाता है। ऐसा शुक्ल ध्यान की उपलब्धि कभी भी किसी के गाइडेंस से नहीं हो सकती है, बस उसकी भावना हमारे लिए जरूर किसी की गाइडेंस से आ सकती है, और वो भावना जब बनेगी तो भावना कहलाएगा धर्म ध्यान। हम आपको आंख बिठाकर, आंख बंद करके बिठा सकते हैं, आपसे कह सकते हैं अपनी आत्मा में आत्मा को ध्याओ, आत्मा में आत्मा की भावना करो, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, चैतन्य स्वरूपो हम। आवाज लगवाते ना, ये आवाज लगानी पड़ती भीतर से, किसको सुनाने के लिए, मुझे सुनाने के लिए। स्वयं ही आवाज लगाओ, स्वयं ही सुनो, अपनी आवाज को हमें खुद सुनना होता है, और इस आवाज से जो भावना उत्पन्न होती है वो धर्म ध्यान कहलाती है। जो ध्यान दूसरे पर डिपेंड हो सकता है, जो दूसरे के थ्रू हो सकता है, जो दूसरे के माध्यम से हो सकता है, या जिसमें हम दूसरे का किसी ना किसी तरह से सपोर्ट लेते हैं, वो सब कुछ धर्म ध्यान कहलाता है। उससे भी बड़ा एक और प्योर डीप स्पिरिचुअल मेडिटेशन होता है जिसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। वह शुक्ल ध्यान अभी इस पंचम काल में करने की किसी भी आत्मा में कोई शक्ति नहीं होती है, उसके लिए शरीर का भी बल चाहिए, शरीर में भी शक्ति चाहिए। टिके रहो, बैठे रहो, किसी भी तरह का कोई भी आपके ऊपर उपद्रव हो जाए, उठो नहीं, और शरीर बिल्कुल ऐसा पत्थर की तरह जड़ होकर के बैठा रह जाए कि आत्मा शरीर से अपने आप को बिल्कुल पृथक कर जाए, उसका नाम है शुक्ल ध्यान। नाम तो याद कर ही लो, कौन सा ध्यान, शुक्ल ध्यान। प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, हे भगवान कब हमें शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होगी। अभी हम क्या कर पा रहे हैं, हे भगवान अभी तो हम थोड़ा सा धर्म ध्यान कर पाते हैं, शुक्ल ध्यान कब उपलब्ध होगा। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं, कब मैं ऐसा मुनि बनूंगा, कब मैं ऐसा ध्यान करूंगा। कैसा ध्यान, सुन रहे हो, सुना दूं थोड़ी सी चार लाइन। चार मास एक ठाण ही ठाड़े, चार मास एक ठाण ही ठाड़े। कौन सी भाषा है ये, इसे ब्रज भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा, हाँ, जहां अपना जन्म हुआ है, मथुरा के आसपास की, आगरा के आसपास की ब्रज भाषा है। पुराने विद्वानों की भी ये भाषा रही है, और उसी भाषा में आपके लिए चार लाइनें बता रहा हूं। ये भावना है अपनी, जो अपन सोचते हैं अपन मुनि महाराज बनकर के भी, कैसे मुनि महाराज बनना चाहिए था, ऐसे तो नहीं बनना चाहिए था जैसे हम बन गए, तो क्या करें। अब जो बन गए उसको तो छोड़ना नहीं है, लेकिन भावना उससे और ऊपर की बना करके रखना है। इसके लिए नहीं बने थे कि तुम रोजाना बिल्कुल ठीक 8:30 बजे यहां पर आकर के घेर के बैठ जाओ कि महाराज सुनाओ। ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते हैं 4 महीने बोलते ही नहीं है। जब भगवान बनने के बाद में बोलना जरूरी नहीं होता है, सामान्य से अरिहंत भगवान कितने ही लोग बन जाते हैं, कोई उनकी बातें सुनने वाला भी नहीं होता और सुनाते भी नहीं किसी को। एक मुख केवली होते हैं जो हमेशा मुख ही रहते हैं, बोलते ही नहीं है। तो भगवान बनने के बाद भी बोलना जरूरी नहीं होता है, तीर्थंकरों को बोलना जरूरी हो जाता है, और वो भी 66 दिन तक मौन धारण कर सकते भगवान बनने के बाद में। तो मुनि महाराज को बोलना कोई जरूरी नहीं होता है,
लेकिन क्या करें, व्यवस्था पंचम काल की ऐसी बन चुकी है कि अगर मुंह ना खोला जाए ना बोला जाए तो ना आपसे रहा जाए ना मुनि महाराज से रहा जाए। समझ में आ रहा है? किसी ना किसी रूप में उपदेश तो देना ही होगा, और वह उपदेश जब सबके लिए हो जाता है, सभा के लिए हो जाता है, तो पूरा सभा पूरी समाज सबको ही संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे संतोष के भाव को ध्यान में रख करके ये उपदेश तो दे दिया जाता है, लेकिन यह भी उपदेश देना मुनि महाराज के लिए कोई जरूरी नहीं होता है। क्या करते हैं पुराने मुनि महाराज, चतुर्थ काल के मुनि महाराज, जानते हो क्या करते थे? चार मास एक ठाणे ठाड़े, एक ही स्थान पे क्या करते रहते थे? खड़े रहते थे, ठाड़े रहते थे। चार मास एक ठाणे ही ठाड़े, सही हो धूप मेघ औजाड़े, सही हो धूप मेघ औजाड़े। जब चार मास खड़े रहेंगे तो सब कुछ सहन करने में आ जाएगा, धूप भी सहन करना पड़ेगी, मेघ भी बरसेंगे, बादल भी बरसेंगे, वो भी सहन करना होगा, और जाड़ा पड़ेगा तो वो भी सहन करना पड़ेगा। चार मास एक ठाड़ ही ठाड़े, बोलो भावना तो कर ही लो, तुम तो मुनि बनने की भावना कर लो। सहे हो धूप मेघ औजाड़े, सहे हो धूप दया क्षमा सब जीवन सो धरी, दया क्षमा सब। क्या करते हैं ठाड़े ठाड़े? गुस्सा करते हैं, कोई मुझे बुलाने नहीं आया, कोई मेरी पूजन करने नहीं आया, कोई मुझे मनाने नहीं आया, कोई मुझे कुछ निवेदन करने नहीं आया, गुस्सा करते हैं खड़े खड़े, तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? दया सब जीवों के प्रति और क्षमा सब जीवों के प्रति। मेरा किसी से कोई भी क्रोध भाव नहीं, वैर भाव नहीं, मेरा किसी के प्रति भी कोई भी भीतर से या बाहर से हिंसा का भाव नहीं, मैं सबके प्रति दया भाव और क्षमा भाव को धारण करके सब जीवों के हित की इच्छा से ही मैं प्रवृत्ति को छोड़ करके एक स्थान पर खड़ा हूं और अपना आत्म ध्यान कर रहा हूं। दया क्षमा सब जीवन सो धरी, दया क्षमा सब ध्यान अगणिते कर्म निदहु, ध्यान अगणिते। क्या करेंगे? सब जीवों के प्रति दया क्षमा भाव धारण करके किसी जीव से कोई प्रयोजन न रखते हुए, न रागात्मक न द्वेषात्मक, न घृणा न कोई अटैचमेंट, न हेट न कोई तरह का राग, और फिर भी सब छोड़ करके ध्यान अगणिते कर्मणि दहहु। प्रयोजन क्या है? ऐसी ध्यान की अग्नि उत्पन्न हो जाए, सारे कर्म उसमें जल जाएं। और वह ध्यान कौन सा? तो ये वही ध्यान है, ज्योति आत्मा आत्मानम आत्मनि एव आत्मनासौ क्षणम उपजनयन। क्षण भर में अगर ऐसा ध्यान लग जाए जो यहां बताया जा रहा है, ज्यादा देर नहीं लगती ऐसे ध्यान में, और ऐसा ध्यान ज्यादा देर तक लगता भी नहीं है, क्षण भर के लिए लगता है बस, और जन्म जन्म इस क्षण को प्राप्त करने के लिए खपाने पड़ते हैं। कौन सा क्षण? ये क्षण जो यहां बताया जा रहा है, स्वयंभू होने से पहले, केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होने से पहले, उस क्षण की प्राप्ति करने के लिए जिस क्षण में आत्मा आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा को ही उपलब्ध कर ले बस, और उसे आत्मा के अलावा और उसके लिए कुछ भी वहां पर ध्यान में न रहे, और ऐसा ध्यान अगर क्षण भर के लिए लग जाता है तो उसी में सारे कर्म जल जाते हैं और वह आत्मा अरिहंत परमात्मा कहलाने लग जाता है। क्षण भर लगता है बस,
स्वयंभू बन जाता है। क्या बनना है? सिद्ध बनने से पहले हर किसी को क्या बनना है? स्वयंभू बनना होगा। इस जन्म में नहीं बना जाएगा तो क्या बात हो गई? भावना तो की जा सकती है, श्रद्धांत तो किया जा सकता है, ज्ञान तो लिया जा सकता है, प्रक्रिया आगे तक की बताई जा रही है जन्म जन्मांतरों की, लेकिन उस प्रक्रिया को आज भी जान करके उस प्रक्रिया पर विश्वास तो किया जा सकता है। भगवान ऐसे बनते हैं, स्वयं ही बनते हैं, कोई बनाता नहीं है। भगवान ऋषभ देव भी स्वयं यही किए और बाहुबली भी खड़े खड़े एक वर्ष तक क्या किए, यही करने की प्रोसेस में प्रैक्टिस करते रहे। क्या करते रहे? आत्मानम आत्मा आत्मन्येव आत्मनासौ क्षण उपजनयन, बस उस क्षण को प्रकट करने के लिए प्रैक्टिस करते रहे। और वो क्षण उन्हें कब उपलब्ध हुआ? इतना बड़ा सहनन वाला, इतना भारी शरीर जिसके चारों ओर दुनिया सब कुछ सिमट गई, सब सह लिया उन्होंने, धूप मेघ जाड़े, पैरों के नीचे वृक्ष तक उगाए, बड़ी बड़े एक साल में कितने बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं सब उगाए, बेलें भी लपट गई, शरीर कई खंभा बना लिया उन्होंने, पैरों को ही खंभा बना करके बेलें तक भी लपट गई, सब लिपट गई, लेकिन वो कहीं भी हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए। किस क्षण की प्राप्ति के लिए? ये वो क्षण है जो यहां बताया जा रहा है। लग जाए एक महीना, दो महीना, चार महीना, छह महीना, किसी से ना कुछ बोलना, ना हिलना, ना डुलना, ना देखना कि कौन आया कौन गया। सुन रहे हो? क्या करोगे तुम लोग बताओ? जब 5 मिनट अरहम ध्यान में बिठा दिया जाता है तो उसमें भी घुटने ऊपर नीचे होते हैं, सोचो हम क्या प्राप्त करेंगे और उस प्राप्ति करने के लिए हमें कितनी भावना दृढ़ बनानी पड़ेगी, कितना शरीर हमारा हमें स्थिर बनाना पड़ेगा, तब बाहुबली भगवान की जय बोलने का कोई मतलब निकलेगा। ऐसे बाहुबली भगवान की जय, वो जय बोलते ही से एकदम से रोंगटे खड़े हो जाए, साहस आ जाए, बल आ जाए। किसका? किसी को मारने का नहीं, ऐसे ध्यान करने की भावना उत्पन्न हो जाए। कोई कुछ भी कर जाए हमें कुछ नहीं करना पड़े, बस ध्यान अग्निते कर्मणि दहं, बस ध्यान अग्नि से कर्म को जलाना है। और वो अग्नि जलाने के लिए, उस ध्यान की अग्नि को प्राप्त करने के लिए इतना समय लग जाता है, और एक क्षण आता है जब उस क्षण में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। स्वाहा मतलब जो भीतर आत्मा में लगा हुआ है वो सब कुछ जल जाएगा। आत्मा आत्मा में ही रगड़ खाते हुए इतनी आग उत्पन्न कर लेती है कि उसी आग से वह कर्म सारे के सारे जल जाते हैं। समझ पा रहे हो? आग कहां से उत्पन्न होगी? तो आग लगाने के लिए भी कहीं दूसरी जगह से माचिस नहीं लगाना है आपको, वो आग भी अपने में अपने को खुद लगानी पड़ेगी। ये जो कहा जा रहा है आत्मा आत्मानम आत्मनि एव, ये क्या कर रहे हैं? ये रगड़ दे रहे हैं आत्मा को, बार बार आत्मा से घसीटना। अब अपने को अपने से कैसे घसीटा जाए भाई? ये जितना कठिन काम है उतना ही कठिन काम है आत्मा का ध्यान करना। जब ये आत्मा का ध्यान होगा उस समय पर जो आत्मा की अनुभूति होगी, वो आत्मा की अनुभूति, उसको आचार्यों ने भी एक निश्चय सम्यक दर्शन कहा, लेकिन कुछ अनजान लोग उस सम्यक दर्शन को अपने गृहस्थ अवस्था में घटित करने के लिए उसको प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वह सम्यक दर्शन कभी भी गृहस्थ अवस्था में नहीं होता है। कहां ध्यान है आपका? आग लग रही है कि पानी बरस रहा है? आग लगाना है, पानी तो बरसता रहेगा। अब यूं नहीं कह रहा कि महाराज आप जितनी आग लगा रहे हो पानी बुझा दे रहा है, वो आग आपको भीतर लगानी है और भीतर ही लगती है, इसलिए ध्यान को बहुत बड़ी अग्नि कहा गया है। ध्यान क्या है? अग्नि है। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं,
आप ये समझते हो कि अगर हमें अपना वेट लॉस करना है, किसी किसी को अपनी कैलोरी लॉस करनी है, वेट लॉस करना है, किसी का मोटापा ज्यादा है, किसी के लिए डायबिटीज होती है, इतना भीतर लीवर पर भी जो है फैट चढ़ जाता है कि उसे लॉस करने के लिए कोई ताकत नहीं होती है। तरह तरह की औषधियां खाओ, तरह तरह की एक्सरसाइज करो, लेकिन आपको बता दूं, ध्यान एक ऐसी औषधि है, ध्यान एक ऐसी अग्नि है, इसके माध्यम से भी सब कुछ जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी जल जाता है। ये आपके विश्वास में नहीं आएगा। अभी जो बीमारियां डायबिटीज की बड़ी बड़ी औषधियों से ठीक नहीं होती हैं, वो डायबिटीज केवल ध्यान से ठीक होती है। ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां तमाम गोलियां खाने से, इंजेक्शन लगाने से ठीक नहीं होती, ब्लड प्रेशर की वो बीमारियां केवल ध्यान से ठीक होती हैं। ध्यान से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन होता है, ध्यान से हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसके माध्यम से हमारी बॉडी अपने आप खुद अपनी रिकवरी करने लग जाती है, और ये सब कुछ थ्रू मेडिटेशन होता है। ये विश्वास नहीं आएगा आपको। ध्यान से वो हमारी आत्मा के अंदर बल उत्पन्न होता है, वो एनर्जी व पावर आती है, जो पावर हमारे अंदर अपने आप उस रोग को नष्ट करने के काम में आ जाती है, और इसलिए आज ध्यान के माध्यम से भी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर करने का इलाज बताया जाता है। और आप अगर ढंग से ध्यान करने लग जाएं तो ध्यान से आप अपने ट्यूमर को, कैंसर को भी डिजॉल्व कर सकते हैं। ये सब कुछ होता है। अग्नि लगेगी तो एक्स्ट्रा चीजें सब जलेंगी। ध्यान से आप उस समय पर सब कुछ अपने माइंड में उस पॉइंट पर फोकस करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी गांठ होगी, कुछ होगा, सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें समाप्त होंगी, और ऐसे अनेक केस देखने को मिलते हैं। अनेक, जैसे महिलाओं के अंदर ज्यादातर होता है पेट में गांठे हो जाना, पेट में सूजन पड़ जाना, गर्भाशय के आसपास गांठे होना, ये महिलाओं की आम प्रॉब्लम है। और ऐसी कई महिलाएं जिन्होंने सिर्फ आरंभ ध्यान करके अपना फोकस केवल उसी स्थान पर रख करके और वहीं पर सिर्फ अरहम का विजुलाइजेशन करके और अपने पूरे फोकस को वहीं पर एकत्रित करके उन्होंने ऐसा ध्यान किया, ऐसी प्रैक्टिस की, 3-4 महीने के अंदर उन्होंने अपने शरीर के भीतर की गांठें सब समाप्त कर ली। ये होता है। आपको लगता है कि योगा करने का मतलब बस हाथ पैर घुमाना है, आपको लगता है योगा करने का मतलब पसीना निकालना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन द बेस्ट योगा इज द मेडिटेशन। ये मेडिटेशन के थ्रू जो हमें उपलब्धियां होती हैं, जैसे मान लो आपको ये एक हाफ सीसी की प्रॉब्लम होती है, जो माइंड में आधा दर्द होता है, क्या बोलते हैं इसको, माइग्रेन। क्या इलाज है इसका? इसका इलाज सिर्फ है दिमाग को ताकत पहुंचाना, और दिमाग में ताकत पहुंचेगी तो आपको मेडिटेशन के थ्रू पहुंचेगी। ये ताकतें दिमाग के अंदर आना, शरीर के अंदर आना, ये ध्यान से होता है। और अगर आपके अंदर इस तरह की एक इंटरेस्ट आने लग जाता है तो आप ये सब चीजें अपने आप से खुद कर सकते हो। लेकिन जब आपसे योगा कहा जाता है तो आप एक्सरसाइज तो आधा घंटे कर सकते हो, लेकिन ध्यान कभी आप बैठ करके आधा घंटे करने का मन नहीं बना सकते। और ध्यान में वह अमृत टपकता है, वो अपनी बॉडी के अंदर अपनी ब्रेन के माध्यम से वो अमृत टपकता है, जो अमृत आपको दुनिया के किसी इंजेक्शन से इंजेक्ट करके नहीं दिया जा सकता, वो दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं होता, वो सिर्फ आपको आपके माध्यम से मिलेगा। आत्मानम आत्मनि एव, शरीर के अंदर वो आप खुद जनरेट करेंगे उस अमृत को, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। उसकी खोज करने के लिए विज्ञान चाहे कितना ही प्रयास कर ले, वो किसी इंजेक्शन के थ्रू आपको नहीं दे सकता है। ऐसा अमृत किससे मिलता है? ध्यान से मिलता है। इसलिए ध्यान को अग्नि भी कहा गया है और ध्यान को अमृत भी कहा गया है। ये अमृत का पान करते हुए एक एक वर्ष बीत जाता है, खेद खिन्न नहीं होते हैं, बाहुबली की तरह खड़े रहते हैं और स्वयं में स्वयं को प्रकट करके वह स्वयंभू बन जाते हैं।
जब बन गए तो फिर आत्मा के अंदर वह केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, तो उसके बाद में फिर उन्हें इन चीजों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, कोई हमें ईश्वर मान रहा है या नहीं मान रहा है। पहले तो अपनी ही आत्मसत्ता का ईश्वर खुद बना जाता है। अगर पुण्य रहता है बाहरी तो वह दूसरे लोग भी आपको ईश्वर के रूप में मान लेंगे, जान लेंगे, नहीं भी मानेंगे तो आपकी फीलिंग में उससे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आप दुनिया से बहुत दूर उठ चुके हैं। जैसे चंद्रयान 3 सैटेलाइट दुनिया से बहुत ऊपर चला गया है, ऐसे ही आप ऊपर चले जाते हैं, फिर आपको नीचे होने वाली घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहां बैठे हैं, कौन हमें याद कर रहा है, कौन हमारी पूजा कर रहा है, कौन हमारा स्मरण कर रहा है, कौन हमसे विनती कर रहा है, इन सब बातों को जो जानता है वो कभी भी भगवान होता ही नहीं है। या यूं कहें कि जो जानते हुए भी किसी के लिए कोई अपना इंटेंशन या इंक्लिनेशन ऑफ माइंड उधर नहीं करता है तो वह भगवान होता है। और जो ये जान ले कि ये हमसे प्रार्थना कर रहा है, ये हमारी विनती कर रहा है, अब तो बहुत हो गया है, इसकी विनती सुन लेनी चाहिए, तो वो भगवान कभी हो ही नहीं सकता। सुन रहे हो? ऐसे भगवान को विनती सुनाना जो अपनी विनती सुने ही ना। क्या मतलब? नहीं समझ में आया? इसीलिए तो दुनिया ऐसे भगवान को बहुत जल्दी समझ नहीं पाती है, दुनिया ऐसे भगवान को बहुत जल्दी मान भी नहीं पाती है। दुनिया को तो क्या चाहिए? हमारी विनती सुनोगे तो हम विनती करेंगे, तो हम तुम्हारे दर पे आएंगे, और नहीं सुनोगे तो हम क्यों आएंगे। और यहां क्या कह रहे हैं? जो आपकी विनती सुन ले वो भगवान होता ही नहीं, सुन करके आपका कुछ कर दे वो तो और भगवान से, भगवत सत्ता से दूर हो गया, और भगवान पने से दूर हो गया। तो भगवान कैसा होना चाहिए? ऐसा भगवान बहुत कम लोगों का भगवान भगवान बनता है, ऐसा भगवान बहुत कम लोगों की समझ में आता है, लेकिन जो लोग ऐसे भगवान पर विश्वास कर लेते हैं उन्हें भी भगवान बनने में ज्यादा फिर देर नहीं लगती है, यह बात भी उतनी पक्की है। समय लगता है, परीक्षा करने में समय लग सकता है आपको, और जब परीक्षा हो जाती है तो फिर उसके बाद में जजमेंट लेने में समय नहीं लगता। उपश्रेणिक ने परीक्षा ले ली कि नहीं? कितनी? 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, 5 ले ली, किसके लिए? अपने आप में ये जजमेंट लेने के लिए, हु विल बी द किंग ऑफ माई स्टेट, कौन मेरे राज्य का राजा होगा, श्रेणिक या और कोई, चिलाती या और कोई। लेकिन पांचों ही परीक्षाओं में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाला कौन था? श्रेणिक था। लेकिन उस श्रेणिक की फर्स्ट क्लास मेरिट में आने के कारण से ही उपश्रेणिक की चिंता और बढ़ गई, और वह चिंता व्यक्त की 2 मंत्रियों के लिए। तो मंत्रियों ने अपने राजा की चिंता को दूर करने के लिए फिर उपाय सोचा, और जब उपाय सोचा तो उन मंत्रियों ने कहा हमें राजा से कुछ नहीं कहना, लेकिन एक अच्छा मंत्री होने के नाते मुझे राजा की चिंता को दूर कर देना है। और राजा की चिंता क्या है, कांटा क्या है राजा के सामने? अपना ही बेटा है। सुन रहे हो? अपना ही बेटा अपने लिए कांटा बन गया, अपना ही बेटा अपने लिए चिंता का कारण बन गया। और उस बेटे को अपने सामने से कैसे अलग किया जाए, कैसे हटाया जाए? तो आजकल के लोग नए तरह लोग नहीं हुआ करते थे कि भाई किसी को अपने सामने से हटाने के लिए किसी को भी सुपारी दो और कुछ भी काम करा लो। नहीं समझे? इस तरीके से कांटे हटाने से कभी कांटे नहीं हटते, बुद्धिमान लोग हमेशा बुद्धि से काम करते हैं। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं राजन, आपकी चिंता को हम लोग दूर करेंगे। और मंत्री ने बड़ी सोची समझी, एक तरकीब के माध्यम से राजा श्रेणिक के पास पहुंच करके कहा, देखो राजन आपको मैं एक भीतर की बात बताता हूं, मंत्री होने के नाते मैं राजा के अभिप्राय को समझ रहा हूं। राजा इस समय पर आपके पिता होते हुए भी आपसे बहुत क्रोधित है,
आप पर बहुत गुस्सा है, और ये बात मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं, आप किसी से कहना नहीं। और क्रोध होने का क्या कारण है अगर ये पूछना चाहो तो मैं आपको बताए दे रहा हूं, जब उन्होंने आपको भोजन के लिए बुलाया था और सब लोग भाग गए थे लेकिन आप फिर भी भोजन करते रहे, उन कुत्तों के द्वारा छुआ हुआ भी आपने भोजन कर लिया, इस बात को लेकर के राजा बहुत गुस्से में, क्या करें? आपके लिए भलाई की बात मैं ये कह रहा हूं, जब किसी को गुस्सा ज्यादा होता है उस समय पर उसके सामने ना रहो। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, कुछ समय के लिए चुपचाप यहां से चले जाओ, इससे पहले कि राजा आपसे कुछ कहे, राजा आपसे क्रोधित होकर के कुछ आपको कुछ देश निकाला दे या वो आपका अपमान करे, वो आपको सहन नहीं होगा। और गुस्से में राजा कुछ भी कर सकते हैं, मैं एक मंत्री होने के नाते बात आपसे कह रहा हूं, आपके हित की बात कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप बहुत ही होशियार हैं, आपका पुण्य तीव्र है, आपको कहीं जाने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस समय पर राजन अभी आपसे बहुत गुस्से में है और आपकी भलाई का एक ही काम है, आप यहां से अभी निकल जाओ, इस राज्य को अभी छोड़ दो, कहीं दूर दराज निकल करके जब आप चले जाओगे तो राजा का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, तब हम आपको बुला लेंगे। राजा श्रेणिक ने अपने मन में विचार किया, बताओ मेरा क्या, मैंने बुरा किया क्या, मेरी गलती हो गई, मेरे कौन सा ऐसा मेरे से अपराध हो गया जो राजा मुझसे गुस्सा हो गया। अब गुस्से की स्थिति में हम अपने राजा को अपनी सफाई देने जाएं तो वो भी उचित नहीं है। समझदार व्यक्ति के लिए हमेशा ये समझना, घर में भी ये बात ध्यान में रखना, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और उस समय पर आप उसे समझाने जाओ तो ये गलती मत करना कभी। और ज्यादातर घर में लड़ाइयां इसीलिए होती हैं, जब व्यक्ति गुस्से में होता है तभी हम उससे कुछ ना कुछ कहने जाते हैं, समझाने जाते हैं। जब तक वह व्यक्ति का एंगर, वह टेम्पर डाउन ना हो जाए तब तक उससे कोई बात ही ना करना, शांत रहना, और जब वो शांत भाव में आ जाए तब कोई अपनी बात करना, ये समझदार लोगों का काम है। गुस्से को बढ़ाने का एक ही कारण है कि गुस्से में आदमी से वही बात कहना जिस बात के लिए उसे गुस्सा हो रहा है। और अक्सर पति पत्नियों के बीच में कलह का ये बहुत बड़ा कारण ये नासमझी होती है, जब पत्नी भी नहीं समझ पाती कि पति किस मूड में है, या पति नहीं समझ पाता कि पत्नी किस मूड में है, और वह अगर गुस्से के मूड में है तो उस समय पर उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए वो बात नहीं दोहराना जो बात तुम्हें पता है कि किस कारण से गुस्से में है, तो तुम वही बात कहते हो, देखो ऐसा नहीं था। उस समय सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, गुस्सा ठंडा होने दो। और ठंडा होने के लिए क्या है, किसी पानी में बरसात में खड़े होने की जरूरत नहीं है, बस आप एक दो दिन थोड़ा सा शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, शांत होकर के जब देख लो कि हाँ ये शांत होकर के मेरी बात को सुनने वाला है तो सुनाओ, और अगर गुस्सा ज्यादा है तो सिर्फ उसको देखो, बोलो नहीं। राजा श्रेणिक ने अपने पिता के इस तरह के गुस्से को समझ करके उन्होंने यही उचित समझा कि अगर मंत्री हमें सलाह दे रहे हैं तो ये हमारे राज्य के बहुत बड़े हितकारी मंत्री हैं, ये हमसे कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। और इसी कारण से राजा श्रेणिक ने ये निर्णय ले लिया, ठीक है मैं राज्य छोड़ करके जाता हूं। और राजा श्रेणिक जो अपने उनकी सुरक्षा में भी हजारों और सिपाही लगे हुए थे, उन सबके बीच में से भी वो निकल गए, और उस समय पर ना उन्होंने अपनी माता को कुछ बताया और ना अपने पिता से कुछ मिले, और चुपचाप से वहां से वो निकल गए। मंत्रियों की बात का इतना विश्वास राजघरानों में हुआ करता था। राजा श्रेणिक वहां से निकल गए, और इधर जब राजा श्रेणिक वहां नहीं रहे, राजमहल में नहीं मिले दूसरे दिन, तो मां को जब से ये बात सुनाई पड़ी तो मां तो बहुत अधीर हो गई, मेरा बेटा कहां गया, बेटा क्यों नहीं मिल रहा है, तो मां तो विलाप करने लगी, वो तो चिल्लाने लगी, रोने लगी, लेकिन राजा उप श्रेणिक के लिए राहत मिल गई। अब वो सोच रहे हैं कि हमारे सामने जो चिंता का कारण था वो चला गया, अच्छा हुआ,
और उन्हें उससे राहत मिल रही है। इधर राजा श्रेणिक अपने स्थान को छोड़ करके निकले और निकलते निकलते वह एक नंदी ग्राम में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके उनके साथ क्या घटित होता है ये तो बात आपको आगे बताई जाएगी। अभी तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राजा श्रेणिक ने क्या निर्णय लिया जो मंत्रियों ने कहा, और वह निर्णय लेकर के अपने पुण्य के सहारे जीने वाले चतुर लोग किसी भी तरह के निर्णय में अपने आप को खेद खिन्न नहीं करते, और इस तरह के साहसी लोगों के क्या परिणाम आगे निकलते हैं ये आपको आगे समझ में आएगा। अभी तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि हम जिन भगवान की आराधना कर रहे हैं वह भगवान स्वयंभू किस तरह के होते हैं और उन स्वयंभू भगवान के मार्ग पर चलना कितना कठिन होता है यह भी आपको आगे की स्टोरी में समझ में आएगा। कल आप लोगों के लिए एक विशेष बात यहां पर यही है कि जब आप वर्धमान भगवान की स्तुति कर रहे हैं उन्हीं के समोसरण में बैठकर के भगवान की वीर शासन जयंती से ये स्तुति करते चले जा रहे हैं तो एक दिन आपका कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की एक बड़ी स्तुति करें, और वर्धमान भगवान की एक बड़ी स्तुति करने का अगर कार्य आपके सामने आता है तो उसी का नाम है वर्धमान स्तोत्र का विधान पूजा। यानी भगवान महावीर स्वामी के पूरे जीवन चरित्र को आप एक साथ देख करके उनकी स्तुति पूजन करेंगे तो यह आपके लिए उस समय पर समझ में आएगा कि हमें भगवान की स्तुति पूजन करना भी कितना लाभप्रद है। तो यह कार्य कल समय पर होना चाहिए, प्रवचन की तरह नहीं होना चाहिए। जब प्रवचन शुरू होते हैं उस समय पर यहाँ सभा की स्थिति कुछ और होती है और जब प्रवचन एंड होते हैं तो सभा की स्थिति कुछ और हो जाती है। ऐसा अगर होगा तो फिर विधान में मजा कोई भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप लोग भगवान महावीर स्वामी की भी बीच में स्तुति करें क्योंकि उन्हीं के उपकारों से हम आगे बढ़ रहे हैं, वही हमारे वर्तमान के तीर्थनायक हैं। ऐसे तीर्थनायक वर्तमान भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें CA राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रति ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1,000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843740।